दोनों जेंडर्स में एक अट्रैक्शन होता है। अगर ये अट्रैक्शन होता ही नहीं, नेचुरल है, तो ह्यूमन रेस कंटिन्यू नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स में एक अट्रैक्शन होता है जी। अब ये चेयर यहाँ पड़ी, ये टेबल यहाँ पड़ा है, ये दोनों एक बेजान चीज है, इसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए ये यहीं पे है, ये चेयर यहीं पे है, ये जाकर चिपक नहीं जा रहे बार बार। लेकिन ऐसा मामला मर्दों औरतों का नहीं है, ये एक नेचुरली एग्जिस्टिंग अट्रैक्शन है जो इंसानी नस्ल को आगे कंटिन्यू होने के लिए जरूरी था। सारे लिविंग क्रिएचर्स में मिलता है, आप अगर देखेंगे कुछ जानवर भी होते हैं जो अपने मेट्स को किसी तरह से अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है। तो ये जब अट्रैक्शन है और अनडिनायबली है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। एक मिसाल है एडवर्टाइजमेंट्स की, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि टायर की एड होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की एड्स होती है, उसमें भी औरतों को लाया जाता है। अब बताइए कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कोई इंडस्ट्रियल सर्विस है, कोई टायर है, टायर से क्या शेविंग, ये कई सारी मिसालें हैं जिसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है तो भी औरतों को लाया जाता है कई बार लेस ड्रेस्ड। एक बहुत ही गंदी सी मिसाल है लेकिन ये बात नोन फैक्ट है लोगों में कि एक फिल्मों को कामयाब करने के लिए कुछ आइटम नंबर टाइप की चीज़ें, कंसेप्ट एक चलता है, या कई सारे जो रॉन्ग किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, ये सब के अंदर मकसद क्या होता है, पॉइंट क्या है कि लोग इस अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। एक बहुत ही गंदी सी चीज़ है जिसके अंदर औरतों को एक कमोडिटी जैसे बना करके पेश किया जा रहा है, उनको जो ऑनर और स्टेटस जो दिया गया है, जो होना चाहिए किसी भी औरत के लिए, वो स्टेटस से डिप्राइव किया जा रहा है बस एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए। हम उस पर आते हैं, तो अब ये दो मॉडल्स हैं, ये दो मॉडल्स सोसाइटी में रह रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसी सोसाइटी के अंदर ये मर्दों और औरतों का अट्रैक्शन भी है। ये टेबल कुर्सी जैसा मामला नहीं है मर्दों और औरतों का, अगर ऐसा होता तो हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते थे, कोई सवाल ही नहीं होता भाई टेबल और कुर्सी पड़े हैं कहीं साथ में पड़े हैं, अलग पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा मामला नहीं है, एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है और जो अट्रैक्शन नोन है, जो एक इंसान चाहे कितना भी आर्ग्यू करे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इस मौजू पे जब आर्ग्यूमेंट्स पे उतरते हैं इस बारे में भी आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं नहीं है कुछ भी, हालांकि है एक नोन बात है, हर इंसान जानता है, इसके लिए कोई कहीं और दूर जाके रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, मुझे स्टैटिस्टिक्स लाके बताना नहीं पड़ेगा इस चीज के ताल्लुक से, जो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी है, स्टैटिस्टिक्स सर्वेज वगैरह है कि मर्द जो होते हैं वो स्टिम्यूलेट होते हैं साइट से, औरतों का स्टिम्यूलेशन साइट से उतना नहीं होता जितना मर्दों का स्टिम्यूलेशन होता है, औरतों का ज्यादा स्टिम्यूलेशन जो होता है वो टच से होता है, ये कई सारी स्टडीज है जो बताती है, लेकिन ये एक नॉन फैक्ट है, ये हर कोई जानता है। अब हम ये देखते हैं कि ये मर्द और औरतें जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर इंटरमिंगलिंग है, जहां पर औरत अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले कर रही है, जहां पर एक साथ में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां पर क्या क्या हो सकता है ही नहीं, होता है।